48 घंटे के भीतर पाकिस्तान का घमंड हुआ चकनाचूर। कीवियों ने मेजबानों के मनसूबे पर फेरा पानी। कंगारू फिर बने नंबर वन। पाकिस्तान की टीम 5 मई को वनडे रैंकिंग में पहली बार नंबर वन बन गई थी। 7 मई को वह 5वां वनडे हारकर फिर से तीसरे नंबर पर खिसक गई है। नंबर वन पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान में जमकर जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन उनका घमंड ज्यादा देर तक न टिक सका और 48 घंटे के भीतर ही वह टूट गया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5वें और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच में 47 रन से हराकर मेजबानों के क्लीन स्वीप के मनसूबे पर पानी फेर दिया। हालांकि इस जीत के बावजूद कीवी टीम 5 मैचों की सीरीज 1-4 से हार गई। पाकिस्तान को इस हार से रैंकिंग में नुकसान उठाना पड़ा। 48 घंटों के भीतर पाकिस्तान ने नंबर वन की रैंकिंग गवा दी और ICC वनडे रैंकिंग में नंबर वन पर बने रहने के लिए बाबर आजम एंड कंपनी को 5वां वनडे जीतना था, लेकिन पाकिस्तान की टीम को कराची वनडे में मुंह की खानी पड़ी। सीरीज का 5वां वनडे गवाने के बाद पाकिस्तान की टीम फिर से ICC वनडे रैंकिंग में तीसरे नंबर पर खिसक गई है। इस हार से उसे रेटिंग अंक में नुकसान हुआ है और वह 112 रेटिंग अंक के साथ तीसरे नंबर पर लुढ़क गई है। ऑस्ट्रेलिया 113 अंक के साथ पहले, जबकि भारत 113 अंक के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। दोस्तों, इसमें मुख्य बात यह है कि पाकिस्तान की टीम 5 मई को वनडे रैंकिंग में नंबर वन पर पहुंची थी। न्यूजीलैंड ने 5वां वनडे जीतकर पाकिस्तान को नंबर वन से धकेला। ऑस्ट्रेलिया वनडे रैंकिंग में फिर से नंबर वन बन गया है। तो दोस्तों, इस तरह पाकिस्तान के लिए खुशी के बल बहुत ही कम थे, जो कि 48 घंटों के लिए ही थे, और वह फिर से नंबर 3 की पोजीशन पर आ गई है वनडे में।